हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, सुधांशु त्रिवेदी के इस तगड़े बयान से अचानक पाकिस्तान में मचा तहलका। चलो देखें, कमाल का बोलते हैं, सच्ची में बता रही हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। धरती गोल है, ये क्या कहा जाता है कि साहब पहले यूरोप वालों ने उनको बताया धरती गोल है, जबकि ये पहले बताया भावना हाथ नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहाँ किताब में, तो फिर भी मजेदार है और धरती स्थिर है। खैर कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भूगोल ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, बता चुका हूं, नाम से ही गोल है, वही कमाल है। मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। दूसरा, आपने वाराह अवतार देखा होगा तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है, सदैव से गोल है। उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धरती है, ये उन्होंने हमको बताया। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया और वायसराय हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया गया। कभी आप कल्पना करें जरा उस सरकार की, कि वायसराय पे बम, असेंबली पे बम, पुलिस कमिश्नर की हत्या, खजाना लूट गया, शस्त्रागार लूट गया, सरकार तो हिल गई होगी। उनका बिचारों का कोई योगदान ही नहीं था, सारा योगदान एक में था। तो मेरे विचार से सारा योगदान उनका था, जिन लोगों के जो काला पानी सह रहे थे उनका योगदान नहीं था, जिन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया उनका योगदान नहीं था, जो जेल में रह रहे थे पर जलवे से रह रहे थे, जो किताब भी लिख रहे थे, सेक्रेटरी भी उनके साथ था और एक नहीं तीन तीन चार चार किताबें लिखी, जिनके वॉइस राय के साथ अत्यंत मधुर पारिवारिक संबंध थे, वो संघर्ष कर रहे थे, ऐसा अद्भुत इतिहास जो हमारे यहाँ बताया गया है। तो एक बार मुझे याद है कि एक टीवी डिबेट हो रही थी, तो उसमें यह हुआ कि अमेरिका ने मदद पाकिस्तान को रोक दी, तो वो पाकिस्तान की तरफ से एक पत्रकार महोदया बैठी, तो उन्होंने कहा जी आपको मदद की जरूरत होगी, हमें मदद की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा जी हमें, हम अमेरिका से क्या लेते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अमेरिका को क्या देते हैं। तो जैसा कि अभी वो बता रहे थे, गूगल का चीफ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नोई इंडियन है, इससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ इंडियन रह चुका है, सिटी बैंक का चीफ इंडियन रह चुका है, इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के चीफ हमारे हैं। मैंने कहा आपके यहाँ भी बहुत सारे चीफ हैं, लश्करे तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ होता है। मैंने कहा इतना बड़ा अंतर है कि हम 75 साल में कहाँ पहुंचे हैं कि अमेरिकन मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट के लिए और अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में जाती हैं टेररिस्ट हंट के लिए। कभी ओसामा बिन लादेन मारा जाता है एबटाबाद में, तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमन अल जवाहरी मारा जाता है। और इतना ही नहीं, हम अमेरिका को सिर्फ इतना ही नहीं देते हैं। जैसा कि अभी मोहित जी कह रहे थे कि भाई मैं तो बिजनेस का व्यक्ति हूं, तो समाज, राजनीति, अध्यात्म, इस विषय पर तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो बताता हूं कि बिजनेस और अध्यात्म का भी हमारे यहां कैसा कनेक्शन है। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो उसका ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। जो लोग आईफोन यूज करते होंगे पता होगा कि एप्पल का फाउंडर कौन था? स्टीव जॉब्स। अब ये मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त आ जाए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है, पूरी तरीके से हताश हो गए हो, तो ऐसा करना, भारत में जाना, वहां नैनीताल जिले में कैची में नीम करोरी बाबा का एक आश्रम है, वहां जाके तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मैं आया, वो दौर जब आया और मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिला और जाके फिर मैंने नए सिरे से यह रचना प्रारंभ की। तो हम बिजनेस के साथ साथ हम यह भी देते हैं, तभी हमने कहा कि हम सोने की चिड़िया के साथ साथ जगत गुरु भी बनेंगे, यही हमारा भवितव्य है। परंतु इस अमृत काल से पहले हमें यह भी समझना होगा कि अमृत तो बाद में आता है, सागर मंथन में विष पहले आता है। बहुत सारा विष हमारे दिमागों में भरा हुआ है। जो अभी उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण कहे, तो पहला प्रण क्या था कि हमें विकसित राष्ट्र बनना, अब छोटी मोटी बात नहीं सोचनी, जिसके विषय मैंने बताया। दूसरा प्रण क्या था? गुलामी की हर चीज को छोड़ना है। और यह बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही, नॉर्मली सरकारें आती हैं वो कहती हैं हमने इतने नए नियम और बना दिए,
हमारी सरकार ने पिछले 8 साल में 1500 से लेके 1800 पुराने नियम समाप्त, यूजलेस है, मोदी जी ने एक स्पीच में बोला, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। और कैसे कैसे नियम, एक बार अमित शाह जी ने मुझे बताया कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे तो 1965 के युद्ध के समय क्या होता था कि पाकिस्तान अपनी तरफ से गुब्बारों के द्वारा कुछ पैम्फलेट्स भारतीय क्षेत्र में छोड़ देता था। उनका कहना था 2001 तक उसकी रिपोर्ट बन के आती थी कि इस हफ्ते कोई गुब्बारा या उसके द्वारा कोई पैम्फलेट भारत के क्षेत्र में नहीं लाया गया, और उसके लिए भी ड्यूटी लगी रहती थी। ये उदाहरण है कि कितने रिडंडेंट यानी कालबाह्य नियम भी थे, उन सबको समाप्त किया। उसके बाद आगे बढ़े तो जो पुरानी चीजें हैं रिडंडेंट हो गई हैं, उनको समाप्त करने की भी जरूरत थी। पर हमारे मन में विष कैसे भरा रहता है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं आप ही के क्षेत्र से। यहां अहिल्याबाई होलकर जी का पुण्य स्थान है। आपने अहिल्याबाई जी का नाम किसके नाम पे पढ़ा? अहिल्या जी के नाम पे पढ़ा। हम सब ने वो कहानी सुनी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, इंद्र ने आकर संपर्क स्थापित कर लिया इसलिए वो पत्थर बन गई, फिर भगवान राम के द्वारा उनकी मुक्ति हुई। कितना गलत है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था, यही दिमाग में भरा हुआ है ना। पर आप में से किसी ने कभी ध्यान दिया कि अहिल्या शब्द और गौतम शब्द और राम शब्द का अर्थ क्या है? अहिल्या का अर्थ होता है जिसे हिलाया ना जा सके। देखिए, ये सब हमारे अंदर की चेतना के द्वंद का प्रकटीकरण है, क्योंकि जब भगवान जन्म लेते हैं तो केवल एक सामान्य, उसे लीला क्यों कहते हैं, वो एक एक जून के जीवन की घटना हमारे अंदर की चेतना का एक प्रकटीकरण है। मन की वह अवस्था जिसे विचलित नहीं किया जा सके, जिसे जरा भी हिलाया ना जा सके, वह है अहिल्या। जब मन उस अवस्था में पहुंचता है, अहिल्या किसकी पत्नी है? गौतम ऋषि की। तम शब्द का अर्थ क्या है? अंधकार। गौ का अर्थ होता है जाना। जब आप अंधकार के परे चले जाते हैं और ज्ञान के प्रकाश का साक्षात्कार करते हैं, तब चेतना उस अवस्था में पहुंचती है जिसे विचलित नहीं किया जा सकता। ये गौतम और अहिल्या के पति पत्नी होने का अर्थ है। और इसमें एक और बात है, आपको नहीं पता होगा, ये अंग्रेजी का जो गो शब्द है ना, जिसका मतलब जाना, वो संस्कृत के गो से निकला है। यही गो शब्द का अर्थ है जाना, गौतम का यही अर्थ है, तम के परे जाना। दसियों बार आया है रामचरित मानस में, गो गोचर लग जा मन जाई तो जानो माया भरमाई। मगर हमारे दिमाग में भरा है कि गो अंग्रेजी का शब्द है। हमारे यहाँ गोचर, ग्रहों की गति को गोचर कहते हैं ना, आज का गोचर, ज्योतिषी से पूछिए कहता आज का गोचर, ये सब गो शब्द जाने से बना है। अब इंद्र कौन है? इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? बहुत बार हम लोगों ने सुना, खूब हमारे यहाँ कहानियों में है कि जैसे ही ऋषि तपस्या करने लगा तो इंद्र ने जो है अपना अप्सराएं भेजकर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, क्योंकि इंद्र का आसन डोलने लगा। इसका क्या अर्थ है? इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? आपने ईंधन वर्ड सुना है, फ्यूल के लिए यूज होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ईंधन शब्द इंद्रन शब्द का अपभ्रंश है। इंद्रिय शब्द इंद्र से निकला है। हमारी सारी सांसारिक इंद्रियों की जो सोर्स एनर्जी है, दैट इज इंद्र। और जब कोई तपस्या करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इंद्र का आसन डोलता है, यानी इंद्रियों की सत्ता कमजोर पड़ती है, तो बाय लॉ ऑफ इनर्शिया इंद्रियां सबसे ज्यादा तेजी से उसके ऊपर इनर्शिया बैक फोर्स मारती हैं। और वो सबसे ज्यादा किस पे मारेंगी? मानसिक रूप से मानेंगे, कि मन सबसे प्रबल इंद्री है। इसीलिए कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि अप्सराओं के नाम क्या, मेनका, जहां पर मन एकाग्र हो, उर्वशी, हृदय को वश में करने वाली, ये सब प्रवृत्तियां हैं जो जाकर हमारे मन पर अटैक करती हैं। तो जैसे ही इंद्रियों की शक्ति, जब आप अंधकार के परे चले गए और उसे विचलित नहीं किया जा सकता था, यदि इंद्रियों की शक्ति के प्रभाव में आ गए तो क्या हुआ? पत्थर का क्या हुआ? चेतना शक्ति का लोप हो गया, आप पदार्थ यानी सांसारिक शक्ति के रूप में रह गए, जो आध्यात्मिक चेतना थी वो चली गई। बिल्कुल। अब आध्यात्मिक चेतना दोबारा कब मिलेगी? राम शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? हिंदी या संस्कृत में शब्द है, रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता रमना, रमनते इतना, रमणीक स्थान, रमता जोगी, यानी किसी भी चीज जिस चीज में सेटल्ड होती है उसको रमना कहते हैं। इसीलिए राम शब्द का तात्विक अर्थ है रमनते इतरहमा, अर्थात वह तत्व इसमें सारा संसार समझाए सेटल्ड है। फिर यानी वही डिवाइन एलिमेंट विच बिहोल्ड्स द एंटायर यूनिवर्स, फिर जब उसके साथ दोबारा संपर्क होगा, दैट कॉन्शियस एनर्जी विल रिवाइव और वर्ल्डली एनर्जी विल डिसअपीयर। मगर हमारे दिमाग को क्यों, अब ये क्यों, किनों ने पढ़ाया गया जानते क्यों? 1854 में कॉल मार्क्स ने एक आर्टिकल लिखा था शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून में कि हिंदू जाति चाहे जितनी भी समृद्ध हो,
पर वो नंदी बैल बंदर हनुमान और हाथी गणेश को पूजने वाले इसी लायक थे कि उनके ऊपर हुकूमत की जाए, क्योंकि वो मूर्ख थे। मान्यवर, हम मूर्ख नहीं थे, इतना समझने लायक बुद्धि आपके पास नहीं थी, क्योंकि आपने ना कभी भारत में आए, ना आपने भारतीय संस्कृति पढ़ी, ना आपने संस्कृत पढ़ा, और आपने कुछ नहीं पढ़ा, और उसके बावजूद बैठे बैठे व्याख्या दे दी। और मैं पुनः यह बात चुनौती से कहता हूं, किसी मार्क्सवादी ने वैदिक संस्कृत पढ़ी ही नहीं। जैसे कोई IIT या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर बीटेक करे नहीं और इंजीनियरिंग के भाषण देने लगे, उसी प्रकार कोई मार्क्सवादी बताए उसने किस वैदिक गुरुकुल में जाकर वैदिक संस्कृत पढ़ी है और फिर वेदों पर कमेंट्री की है, अंग्रेजी में पढ़ के वेदों पर कमेंट्री की है। ऐसे महान महान लोग हैं। और वो मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं, जब लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, तो दोनों पक्षों से कहा गया कि आप अपने अपने इतिहासकार ला सकते हैं। तो हमारी तरफ से जो इतिहासकार थे उसमें देवेंद्र स्वरूप जी थे, SP गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर हर्ष नायन थे, उधर से ऑब्वियस कौन थे, सूरज भान थे, RS शर्मा थे, रोमिला थापर थी, यही सब लोग जिनको DN झा वगैरह, ये लोग स्वयं नहीं अपियर होते थे, अपने प्रतिनिधियों के थ्रू होते थे। अब भाई देखिए, कोर्ट में तो राजनीति नहीं चलेगी। कोर्ट ने पूछा कि आप राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर आए हैं तो आप पहले ये बताइए कि आपका हिस्ट्री में विषय क्या है, एंशियंट इंडिया विषय है क्या? तो उसमें से ज्यादातर लोन लिख के दीजिए, एंशियंट इंडिया हमारा विषय नहीं है। अब वहां खुदाई का विषय था, तो आपको पता होगा हिस्ट्री में दो ब्रांच होती ना, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। तो आर्कियोलॉजी खुदाई से डील करती, उनसे पूछा गया आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट है? नहीं जी, हम उसके एक्सपर्ट भी नहीं, हमें आर्कियोलॉजी नहीं आती, यानी खुदाई वाला विषय हमें नहीं पता। चलिए, तो कल्चर का पता होगा। अब कल्चर तो किसी लैंग्वेज में लिखा रहता है, सारे डॉक्यूमेंट्स दो ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी। और मजे की बात है, सबने ये लिख के दिया है कि फारसी नहीं, उन्हें संस्कृत भी नहीं आती है। यानी ना खुदाई जानते थे, ना लिखाई जानते थे, और दावा ये सारी खुदाई जानते थे। वो आके हमको समझाते थे, जबकि हमारी तरफ से लोग ऐसे थे जो संस्कृत भी जानते थे, फारसी भी जानते थे। डॉक्टर हर्ष नारायण श्रीवास्तव को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो जितने बड़े संस्कृत के विद्वान थे उतने बड़े फारसी के विद्वान थे। इसलिए जब बाबरी मस्जिद वाले कोई डॉक्यूमेंट देते थे फारसी का और उसका ट्रांसलेशन करके देते थे, डॉक्टर हर्ष नारायण को दिया जाता था टू वेट दैट ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन है ये यही है या इसमें कोई एकाध नुक्ते का हेर फेर है। इससे आप समझिए कि किस प्रकार की चीजें हमारे दिमागों में भरी गई और हमारा दिमाग किस तरीके से उन सारी चीजों से इफेक्ट हो गया, और किन लोगों ने भरी जिनको उसका कुछ भी अभी सीटें नहीं आती। वैसे ऑन द लाइटर नोट में कहूं, जब ये देवी अहिल्या जी वाला उल्लेख आता है, तो तुलसीदास जी का जो पूरा साहित्य है ना, वो पूरा एक गंभीर राम भक्त साहित्य माना जाता है, पर एक ही आज जगह तुलसीदास जी ने हास्य रस का भी उल्लेख किया है। कवितावली में वो लिखते हैं कि जब भगवान राम चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहां के जब साधु सन्यासियों को पता चलता है कि भगवान राम आए हैं, तो वो बेचारे वर्षों बरस से व्रत कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उनको लगा कि इनके पर पैर के स्पर्श होने से कोई पत्थर की शिला स्त्री बन जाती है, तो सब एक एक शिला लेके आ गए कि शायद ये एक सुंदर स्त्री बन जाए तो मेरा भी जीवन जो कष्ट का है कोई मुझे भी अच्छे ढंग से हमारा सहयोग करने के लिए मिल जाए। तो उसको उन्होंने लिखा है कि विंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनि वृंद पखारे, होए हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, और कीन भली रघुनायक जीव करना करी कानन को पगधारे। तो मतलब उन्होंने हास्य का भी प्रयोग किया। ये तो एक चीज हुई। अब दूसरी बात आई है, जिस जमाने में देवी अहिल्याबाई होलकर यहां पे रूल कर रही थी, 18th century, आपको पता है उस समय यूरोप में क्या था? 1542 से वहां पर विचक्राफ्ट एक्ट था। विचक्राफ्ट एक्ट का मतलब होता किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके जला दिया जाता, विच बन सोच के उसको। और वो समय जब भारत में चाहे रानी अहिल्याबाई हो, रानी दुर्गावती हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, वो मध्यकाल का दौर, चाहे छोटे मोटे राज्यों की रानी अबक्का हो या रानी लक्ष्मीबाई हो, वो यहां शासन कर रही थी। और वो लोग और कौन, कोई भी चर्च घोषित कर देता था कि ये चुड़ैल है और उसको जला दिया जाता था। ये बाई पार्लियामेंट की एक्ट था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट है। और आपको पता है वो एक्ट कब तक रहा है? 1951 में वो एक्ट रिपील किया गया है। और वो लोग हमको ज्ञान देते थे कि महिला समानता आपके यहां नहीं है, महिला समानता तुम्हारे यहां थी। आपको पता है अंग्रेजी का ये शब्द विच हंट, आप सबने सुना होगा, विच हंट शब्द उसी विचक्राफ्ट एक्ट से निकला है, कि किसी भी औरत को विच घोषित करके फिर उसको पकड़ना और पकड़ के मौत के घाट उतार देना।
हकीकत यह है कि विच हंट करने वालों ने हमारे खिलाफ विच हंट किया है कि हमें कहां कहां पे नीचा दिखाया जा सकता है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे यहां स्थिति यह थी, ये तो हुई रूल करने की बात, वैदिक काल में 20-22 ऐसी विदुषी महिलाएं हैं, गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, जिन्होंने बाकायदा वेदों पर व्याख्यान किया है, शास्त्रार्थ किया है, याज्ञवल्क का गार्गी के साथ शास्त्रार्थ, संध्या का ऋषि मेधातिथि के साथ शास्त्रार्थ। हम चुनौती के साथ कहते हैं, दुनिया में कोई दूसरी धर्म संस्कृति बताइए जो धर्म ग्रंथ के ऊपर पहले तो डिस्कशन का पावर देती हो और डिस्कशन का पावर महिला को देती हो। अमेजिंग यार, इसमें से कई क्लिपिंग्स हमने देखी हुई थी, पर दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब आप सुनते रह जाओगे, इट वाज माइंड ब्लोइंग। और इससे पता चलता है कि हमारे जो शास्त्र लिखे हुए हैं हर एक चीज में कितना इन डेप्थ है, इट इज जस्ट अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग है सच्ची में। खासकर जब बता रहे हैं कि भैया अर्थ गोल है, वो हमें कब से पता था। ये लोग बोलते हैं कि भैया फलाने ठमकाने ने ढूंढा, अरे हमारे तो कितने पहले ही पता था, विच इज माइंड ब्लोइंग। नाम श्री राम जी जो है, उनका नाम, सबके नामों के कितने डीप मीनिंग, मैं तो सुन के हैरान हो रही हूँ। और ये जो है, जो आप बोलते हैं हम वेस्टर्न बड़े मॉडर्न हो गए, बड़े पढ़े लिखे हो गए, अरे यहाँ देखो राइट, देखिए पॉइंट ये है कि बाहर से लोग आए, उन्होंने अल्टीमेटली हरा कर कब्जा कर लिया और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई। तो लर्निंग यही थी कि आपको डिफेंस में नंबर वन रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिफेंस में नंबर वन नहीं है तो कोई भी अपना कल्चर लेके आप पे अटैक करेगा, और अगर आप हार जाते हैं तो अपनी चीज़ें थोप देगा, क्योंकि वो उसने कब्जा कर लिया है। इसीलिए डिफेंस जो है प्रोटेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई बंदा कंट्री पे अटैक ना कर पाए, सोच भी ना सके, इतना पावरफुल बनना है। और उसी डायरेक्शन में आज की गवर्नमेंट अब जा रही है, और अपनी जो ये कल्चर है उस पर प्राउड होना है और उसको वो वापस उससे सीखना है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं है वैदिक जो है, वो सब हमें, वो वैदिक नॉलेज जो है हमें वापस लेनी पड़ेगी। हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स के पास ये नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं रहा यार, उसको वापस लाना है वो ग्लोरी को। इट इज़ जस्ट अमेजिंग, सुनते ही रह गई मैं तो, सारी बातें एक से एक इंटरेस्टिंग थी। तो होप करते हैं आपको भी मज़ा आया होगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।